हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेज कुकिंग सिक्स में। आज हम बनाने वाले हैं सेजवान फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलते हैं हम अपने सेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए। मैंने लिए हैं यहाँ पे 1 कप राइस। इसको हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगा के रख दिया था और अभी हमने इसके सारे पानी को निकाल दिया है। अब हम राइस को बॉईल करेंगे। तो राइस को बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पे 5 कप पानी गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम उबाल आने देंगे। तो पानी में उबाल आ गया है, हम राइस को डाल दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑयल और इसको अब मिक्स करेंगे। हमें इसको 5 मिनट तक बॉईल करना है। तो अभी 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो राइस हमारे बॉईल हो गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और राइस को छान लेंगे। तो हमने राइस को छान लिया है, अब इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने खिले खिले राइस हमारे बन चुके हैं। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। सेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हो। हम अपने राइस को बनाएंगे। राइस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया है। इसको चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। इसको हल्का सा भून लेंगे। ये हो गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं ग्रीन चिल्ली और जिंजर का पेस्ट। इसको भी हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें ऑनियन डालेंगे और इसको हल्का सा भून लेंगे। ये हो गया है। अब हम सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हल्का सा सॉल्ट भी डाल देंगे। ये हमारे हो गए हैं। अब इसमें हम राइस डाल देंगे। राइस हमारे ठंडे हो गए थे और राइस को ठंडा करके ही डालना है, वरना ये टूट जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून सेजवान चटनी, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस, थोड़ा सा फूड कलर। अब इसे अच्छे से राइस में मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने स्प्रिंग ऑनियन भी डाल दिया है। मैंने 1/2 कप लिया था और मैंने थोड़ा सा बचा भी लिया है। तो ये हमारे
सेज़वान फ्राइड राइस बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी बने हैं। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन डाल दे रहे हैं, थोड़े से हरी धनिया। अब हमारे सेज़वान फ्राइड राइस बनके रेडी हो गए हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो आप भी ज़रूर एक बार ये रेसिपी ट्राई करें। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक।